amazing back. He has got it done. एक डिजाइनर से एक रात में इन्होंने बनाया है क्योंकि कल ऐसे ही एक डिस्कशन हो रहा था तो मैंने ये कहीं बहुत हॉलीवुड में कहीं ये देखी थी किसी आर्टिस्ट को पहने हुए तो मैंने इनको कहा कि ये कितनी प्यारी ड्रेस है ना लेकिन यार काश मैं इसको पहन पाती और मुझे नहीं पता कि कैसे बनाया क्या किया और इन्होंने मुझे अपने डिज़ाइनर के पास भेजा जो कि मैं गई उनके पास में और उन्होंने मुझे बताया कि ये कल आए और उन्होंने सब कुछ प्लान किया और आज सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ये ड्रेस एक मास्क पहने हुए इंसान था मुझे नहीं पता वो कौन था अभी भी मुझे नहीं पता माय फेस मास्क इसमें मेरा फेस है और मैंने दरवाज़ा खोला और somebody with his mask oh my god what is this and there was this camera who was being operated by captured by one of his friend तो मैंने उनको देखा तो मैं समझ गई कि obviously it's a surprise and then जब वो ड्रेस देखी और उसे देखा तो आई वॉज इन शॉक बिकॉज ऑब्वियसली कल ही मैंने ये बात की थी और 24 घंटे में एक ड्रेस बनाना वो भी प्रॉपर फिट के साथ में हैट्स ऑफ गुड हैट्स ऑफ मेजरमेंट्स भी चुरा रहा था मेरे मेल में से आई थिंक मेरे सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में से आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन टूडेज वर्ल्ड इज दैट एफर्ट Effort is very beautiful. Effort is it's kind of very, very sexy. I feel like nobody in this world tries to make effort. और ये जो ये effort करते हैं एक एक चीज़ के लिए एक एक तारतम को जोड़ते हैं एक एक बात को समझते हैं और मुझे मतलब सच में एक एक चीज़ जो आप आज देख रहे हैं मुझे पहने हुए इनफैक्ट मेरा मेकअप हेयर एवरी थिंग He made sure that, you know, he knows my profession, he respects my profession and he knows ki what kind of a girl I am. Agar mujhe jana hoga birthday mein aur achhe se taiyar hoke jana hoga, toh what she will require and what I have to do for her. That was very We know each other's choice because jabhi bhi hum mall shopping ke liye jate hain I'm good with shopping so I pick very matlab very quickly I pick if I like something so I said you know that is the one ab hota kya isne bhi wahi dekhi cheez dekhi hoti hai 29.5% very good coffee match karte hain so that way it becomes easier okay finally aaj birthday ho gaya aapke jo bhi fans hai wo ek hi cheez intezar kar rahe hai aap dono ki engagement aur marriage uske bare mein agar kuch bata sake kuch kya planning chal rahi hai kab hone wali hai देखिए शादी तो हो चुकी है मेरी और इसकी स्वर्ग में नीचे धरती पे मंत्र पढ़ना बाकी ओके सो वो कब कुछ डेट फाइनल हुआ है कब होने वाला है अगर कुछ रिवील करना चाहे आज बर्थडे के दिन बहुत ही अच्छा दिन है आज जी जी बिल्कुल हमारे जो पंडित जी हैं उन पे हमें काफ़ी विश्वास है आपको भी बताया कि हमारा जो रिश्ता है वो कमिटमेंट से शुरू हुआ है आप सबको पंडित जी डेट निकाल रहे हैं और जो उनको ऐसा लगेगा कि ये डेट सबसे ज़्यादा शुभ है वो तुरंत आप लोगों के जरिए पंडित जी बहुत बिजी है पंडित जी बहुत बिजी है वो अमिताभ बच्चन जी के पंडित जी हैं उनको बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो छोड़ नहीं रहे जब उनको हमारी गुहार सुनाई देगी तो जरूर एक डेट निकलेगी ऑन सीरियस नोट लाइक ऑफ कोर्स बहुत जल्दी आपको सुनाई देगी ऐसी बात नहीं है कि हम रिवील नहीं करना चाहते पर अभी बिकॉज विंध्या इज ऑल्सो वर्किंग आई एम ऑल्सो वर्किंग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक आई एम डूइंग अ बिजनेस सो वी आर सो मच बिजी विद वर्क एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स तो अभी हम इसीलिए कोई ऐसी फाइनल डेट नहीं निकाल रहे और दूसरी बात 29.5 जैसे इन्होंने बताया वी आर वेरी अनप्रडिक्टेबल सो अगर मैं विंध्या जी को कहता हूँ फ़ोन करके कि आइए नीचे चाय पीने जाते हैं तो बर्मुडा शॉर्ट्स में मैं होता हूँ नीचे शॉर्ट्स में और ये बड़े घर के कपड़ों में होती है और हम लोग सिर्फ चाय पीते पीते लोनावला निकल जाते हैं और एक बार हम लोग लवासा भी जाते हैं लवासा चले जाते हैं कहीं भी चले जाते हैं तो इट वेरी अनप्रडिक्टेबल सो यू नेवर नो कि आज ये बर्थडे पार्टी और पड़ी है और आपको तीन दिन बाद पता चले कि हम आपको इनवाइट करेंगे इनका कोई भरोसा नहीं ये मुझे हेलीकॉप्टर बुलाएंगे हो सकता है इसी के ऊपर ही अभी बोले कि हेलीकॉप्टर आ गया भैया सीढ़ी छोड़ो और बैठते हो बनारस चलते हो नागपुर चलते हो इनका कोई भरोसा नहीं ओके लास्टली सवाल कहते कि बर्थडे में जो विश मांगते वो पूरी होती है तो क्या ऐसी कोई विश मांगना चाहेगी आज के दिन में आज मैं इनसे जब नहीं मिल पाई थी तो इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया था ये टेंपल का ऑर्गेनाइज किया था कुछ गरीब बच्चे थे वो लोग सड़क पर आए और उन लोगों ने मुझे अचानक से जब मास्क पहन के और मुझे गिफ्ट देना शुरू किया और फिर मैंने उनको बदले में गिफ्ट दिया क्योंकि एक और लड़का था जिन्होंने मुझे बोला कि विंध्या जी आप उनको चॉकलेट दीजिए सो एवरीथिंग टुडे वॉज वेरी वेरी डिवाइन आई हैड लिटरली मैं सिर्फ ब्लश कर रही थी पूरे टाइम आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स और मैं अभी आकर इनसे मिल रही हूँ आई वॉज डाइंग टू मीट यू
ये मेरा फोन नहीं उठा रहे थे कुछ नहीं, बस इन्होंने कहा था आप रेडी हो जाओ, हम दोनों कहीं आज बहुत खूबसूरत सी जगह चलने वाले हैं. दैट्स द रीजन मैंने सोचा कि जो इन्होंने ड्रेस दी है वही पहनकर चलती हूँ. एंड आई वॉज नॉट नोइंग कि ये कुछ होने वाला है, आप लोगों के सामने ऐसे हम मिलने वाले हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, जो भगवान जो विश की बात आप उनसे कर रहे हैं, आज मैं गई थी, स्वामी समर्थ को ये बहुत मानते हैं और इनके लिए 6 महीने पहले जब हम दोनों मिले तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आई वॉज अ नॉन वेजिटेरियन अर्लियर, लेकिन ये वेज खाते हैं तो मैंने वो मुझे ऐसा लगा अंदर से ऐसी इच्छा हुई कि नहीं मैं भी अब वेज खाऊंगी और आई विल ऑल्सो गो ग्रीन. तो मैंने तब से बंद किया है और तब से मैंने भी काफ़ी श्रद्धा के साथ है, क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ बचपन से ही, 2.5 साल की उम्र से मैं हनुमान भक्त हूँ. जय श्री राम. जय श्री राम. तो अब मैं भी उनको काफ़ी मानती हूँ. तो आज मैं गई थी और जब मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला तो मैंने यही बोला कि ये जो साथ है हम दोनों का, ये अब 7 जन्मों से भी ज़्यादा गहरा हो गया है. जो आज मेरे साथ जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं, ये इनको शायद आइडिया भी नहीं होगा, जो भी इनको शायद आइडिया भी नहीं है कि हाउ डीप इट वॉज फॉर मी. क्योंकि मेरे पास, मुझे नहीं याद है कि ज़िंदगी में कभी भी मेरे लिए किसी ने भी इतना कुछ किया है. और मैंने हमेशा बहुत पेशेंटली उस एक इंसान का जो ये है वेट किया है, और ये बात सबको पता है, इनफैक्ट मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है, ऑल द मीडिया पीपल, मैं बहुत पका चुकी हूँ कि एक दिन वो आएगा सोलमेट और ऐसा होगा और ऐसा होगा. सो आई हैव ऑलवेज वेटेड फॉर दिस एक्सक्लूसिवली एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड एंड आई गॉट हिम. ओके, सो आई थिंक यू लाइक टू ऐड. वेल या विंध्या जैसी मॉड दिखती है वो बिल्कुल नहीं है. विंध्या की छोटी छोटी चीज़ें जिससे मुझे प्यार हो चुका है, और उन्हीं छोटी चीज़ों की वजह से प्यार हुआ. एक्चुअली विंध्या जब बच्चों के जैसे बात करती है, जब सैड होती है और मुझे पता चल जाता है बेसिकली, मैं उसको बोलती हूँ सैड है क्या, हैप्पी है क्या, डॉग बाउ बिल्ली पैरेट. तो विंध्या की काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं जो इसकी अब तक किसी के सामने नहीं आई है. और कहते हैं ना, हर जैसे हमारा रिश्ता कमिटमेंट से शुरू हुआ, हर मर्द हर इंसान जिंदगी में थम जाना चाहता है, लेकिन थमना किसके साथ चाहता है, एक ऐसा इंसान जो डिजर्व करता है. विंध्या वो लड़की है जो जिसकी जो मेरी लाइफ में आई है, जिसको देख कर मुझे लगा कि बस अब थम जाना चाहिए. ओके, थैंक यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू वंस अगेन, अ हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. यहाँ से अपने फैंस को क्या विश करेंगे जो आपको ढेर सारे मैसेजेस कर रहे हैं सुबह से ही? बस यही कहूँगी कि अपना आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार हमें दीजिए. अब तो हमारी एक और ज़िंदगी आगे चलकर शुरू होने वाली है, और बर्थडे में यही विश है कि हम एज एन एक्टर आपको सालों तक एंटरटेन करते रहेंगे, क्योंकि हमारा यही काम है. और बदले में सिर्फ आपका प्यार चाहिए, जो आप हमेशा देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि हम बहुत मेहनत करेंगे और आपका जो दिल जीता है वो हमेशा जीतते रहेंगे. थैंक यू सो मच.